ठीक है. सो इक्विलिब्रियम इन बच्चे केमिकल प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं. केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम हम कैसे अटेन करते हैं, देखो कोई भी रिएक्शन आप लिखते हो ए बी, तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे बच्चे, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. ठीक है ना, वेन एवर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन आप क्या बोल सकते हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है. तब हम क्या बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन है. मान लो कोई रिएक्शन ले लिया आपने बच्चे N2+3H2 अमोनिया, तो हम क्या कहेंगे कि जितने ये वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उतना ही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना रहा है. दैट मीन्स दे बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर. ठीक है ना, ऐसे फैक्टर्स लेते हैं हम जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या करे बच्चे, बैलेंस करे. उस केस में हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या था बच्चे, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस स्टेट इन विच द ड्राइविंग फोर्सेस. ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, द फोर्स विच इज गिवन बाय अस. तो वहां पे फैक्टर क्या रहेंगे बेटा, फैक्टर्स टेकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बैलेंसिंग ईच अदर. जैसे यहाँ पे मैंने यही चीज आपको पॉइंट बताया ना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. मान लो कि अगर 10 बच्चे थे बेटा, 10 इधर चले गए, 10 उठ के इधर आ गए, यानी ओवरऑल क्या रहेगा, हमारा बैलेंस रहेगा. ओवरऑल इक्वेशन जो रिएक्शन में जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन जो है एक दूसरे को बैलेंस करती है. सेकेंड पॉइंट क्या है, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट. सबसे पहले तो बच्चे सिर्फ रिएक्टेंट ही होंगे ना, जब तक रिएक्टेंट प्रॉपरली प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तब तक तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना देगा ना. अब अगर मैं बोलूं कि 10 बच्चे मुझे दूसरी क्लास में भेजने हैं और वहां से 10 लेके आने हैं, और वो टीचर कहे कि जब तक मैडम आपके 10 बच्चे नहीं आ जाते मैं अपने 10 बच्चे नहीं भेजूंगी, तो एट प्रेजेंट वही है ना कि इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट ही हमारे पास प्रेजेंट है जो फर्दर प्रोडक्ट बनाएंगे. तो जैसे ही बच्चे प्रोडक्ट बन जाता है फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. एक बारी प्रोडक्ट बन गया, एक बारी मेरे 10 बच्चे वहां पहुंच गए, फिर उल्टे 10 बच्चे आने लग जाते हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि एक बारी तो बच्चे यहां से 20 में से 10 बच्चे चले गए ना, एक बारी तो मेरी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हुई ना. एज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज. तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. और किसका इंक्रीज होगा, फिर बैकवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज होगा, क्योंकि वो 10 के 10 उठ के प्रोडक्ट की तरफ गए हैं. तो हम क्या बोलेंगे बच्चे कि किसी टाइम पीरियड जी पे, जीरो पे, एट एनी टाइम व्हेन इट इज जीरो इनिशियल टाइमिंग पे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो सी थी बट उस टाइम कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, जीरो. इसी तरह से बच्चे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो. ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो जीरो. सिमिलरली अब हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू किया हमने, अब जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो गई और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इंक्रीज होने लगी. सो ड्यू टू विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है बच्चे क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट का ऑब्वियसली बढ़ेगा. ठीक है, फिर एक ये पॉइंट आ गया कि रिएक्टेंट का क्या कर रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है. फिर बच्चे अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कॉन्स्टेंट हो जाती है और प्रोडक्ट भी कॉन्स्टेंट हो जाती है. यानी एक ऐसा वो आ गया कि 10 बच्चे ये वाले इधर तो आ गए, इधर के 10 भी यहाँ चले गए, अब दोनों में बराबर बराबर रह गए. पहले यहाँ 20 थे, जब 10 गए थे तब इधर 10 रह गए थे, अब दोबारा से इधर 10 वापिस आ गए, तो दोनों तरफ ही 20-20 बच्चे हो गए. यानी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्स्टेंट है और प्रोडक्ट की भी, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी उस केस में भी, नॉट इक्वल टू जीरो. अब बैकवर्ड रिएक्शन जीरो नहीं होगी, किसके इक्वल होगी, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन आएगी उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन आएगी. सो दैट इज कंसिस्ट एज इक्विलिब्रियम, कि जहां पे बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. सो दिस इज द स्टेज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. क्लियर सबको? यस मैम. दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. चलो
नेक्स्ट है बच्चे इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से. अब हम रेट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे. रेट और टाइम, अभी अभी हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे, जहां पे रेट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या हो, इक्वल हो. इक्विलिब्रियम पे हमने क्या बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का किसके इक्वल है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के ना. तो वही चीज हम इसमें करने वाले हैं. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखाया, ये एक ऐसा पॉइंट दिखा दिया, इसके बाद दोनों की वैल्यू बच्चे कॉन्स्टेंट है. दोनों की वैल्यू क्या हो गई, कॉन्स्टेंट. यानी जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन ने डिक्रीज होना था वो हो गई, और जितनी बैकवर्ड रिएक्शन ने इंक्रीज होना था वो हो चुका. और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी दोनों ही कॉन्स्टेंसी में जा रहे हैं. तो वो चीज हमारे पास क्या आ जाती है कि ये अब इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, ठीक है ना, कि अब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है. सो दिस इज द थिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, रिमेम्बर इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक का क्या मतलब है कि बेटा एक बारी अगर वो चीज हो गई, उसका मतलब नहीं है फर्दर वो चूज ही नहीं करेंगे. अब ये फर्स्ट वाले ग्राफ में हमने क्या दिखाया, रेट और टाइम के बीच में, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद भी वो कॉन्स्टेंसी शो कर रहे हैं, बट यहाँ पे बच्चे डायनामिक इक्विलिब्रियम है. डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे तो आपको दिख रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, बट उन्होंने फिर से इंक्रीज और डिक्रीज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है. वहीं पे स्टैटिक नहीं हो गया, वहीं पे खड़ा नहीं होगी, रिएक्शन खत्म नहीं होगी है. एक बार इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद दोबारा से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है और रिएक्टेंट की डिक्रीज. सो ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी. क्लियर हुई है बात सबको? यस सर. दैट्स ग्रेट राहुल. और किसी को भी कोई प्रॉब्लम? नो मैम. नो मैम. दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. तो फर्स्ट ग्राफ क्या है बच्चे, फर्स्ट ग्राफ और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम शोज द रिएक्टेंट रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट. तो वहां पे एक शार्प डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और शार्प इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में. ऐसे ही था ना, शार्प डिक्रीज रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एक इंक्रीज था, उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टेंसी शो करी. सेकेंड ग्राफ क्या शो करता है बच्चे, स्मॉल अमाउंट एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट due to which there is a less decrease in concentration of reactant and less increase in concentration of product. उसमें उन्होंने क्या बोला कि reactant जो है वो small amount में ही डाला है हमने, थोड़ा सा change show करा और product ने भी थोड़ा सा increase show करा. So first graph is for the large amount and second one is for small amount. Okay. So this is about the graphical. अब हम थोड़ा सा और देखते हैं बच्चे, थर्ड और फोर्थ ग्राफ की भी अगर हम बात करें. थर्ड ग्राफ देखो, इसमें क्या है, ये चीज, रिएक्टेंट सीधा चला गया, प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करता करता इस तरह से चला गया. अब थर्ड और फोर्थ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है. ये क्या शो कर रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिंग. इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे रिएक्ट कर रहे हैं. इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है बच्चे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं और वाइस वर्सा, और जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू रिएक्टेंट बना रहा है. तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई जनरली चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना. दिस इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. अब देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे थर्ड और फोर्थ केस को, कि थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ क्या कंसिडर करता है. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में. ये क्या शो कर रहा है बेटा, जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं हम उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है. मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जितना आप रिएक्टेंट लेके चल रहे हो उतना ही वो प्रोडक्ट बना रहा है. सो इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यही रहता है ना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंटिन्यू टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा, सो देयर वुड बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल किसका लिया, एबर प्रोसेस का, अमोनिया का, कि N2 और 3H2 मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, टू अमोनिया गैस बना रहे हैं. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2 की डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ और अमोनिया की इंक्रीज कर रही है. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट आएगा
जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगी, यानी फर्दर आपको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता नहीं दिखाई देगा। अब ये चीज देखो, यहां तक बच्चे वो चेंज हो रही थी, एक ऐसे पॉइंट तक वो चेंज हो रही है, ठीक है ना, यहां तक, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो अब देखो कॉन्स्टेंसी आ गई, अब वो चेंज करना बंद कर चुकी है। यहां तक वो इंक्रीज कर रही थी, अब कॉन्स्टेंसी आ गई तो वो कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू और ज्यादा चेंज नहीं हो रही। और ये केस यहाँ पे भी है, यहां तक डिक्रीज कर रहा था, यहां तक इंक्रीज कर रहा था, फिर एक पॉइंट आया जहां पे दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। यानी फर्दर एक देखो, इक्विलिब्रियम को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, या तो वैल्यू सेम कर दे वो, या फिर नो चेंज शो कर दे। कि मान लो अगर ये फाइव पे, इसकी वैल्यू फाइव थी और इसकी सिक्स थी, तो ये कॉन्टिन्यूसली फाइव ही शो करता रहे और ये सिक्स ही शो करता रहे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन में। क्लियर? यस मैम, दैट्स ग्रेट। तो चारों केसेस सबको क्लियर है? यस मैम, गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है बच्चे। नो मैम, ओके गुड। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का क्या मतलब होता है? यस, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? दैट इट वेरीज, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? जो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। बिल्कुल सही, जो रिवर्सिबल इन नेचर भी होते हैं और जो एक ही जगह पे स्टिक नहीं हो जाते, ठीक है ना, वेरी करते रहते हैं, और जो थोड़े रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। जैसे कि ये नहीं है कि बेटा एक बारी इक्विलिब्रियम आपने अटेन कर दिया तो दोबारा कुछ होगा ही नहीं, कंटिन्यू रहता है चेंज। मान लो ये अमोनिया बनाते जा रहे, तो अमोनिया जो है वो बार बार रिएक्टेंट बनाता जाएगा। दैट थिंग इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना गैसेस का, तो वो क्लोज्ड सिस्टम में हम करते हैं। क्लोज्ड सिस्टम में क्यों करते हैं? ताकि बाहर वाली चीजों के साथ वो गैसेस रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है ना, सो दैट हीट विल, क्लोज्ड में हीट तो लूज हो जाती है, हम क्या बोल सकते हैं कि सो दैट गैसेस विल नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंसेस, किसी और के साथ वो गैसेस जो है वो फर्दर क्या ना आए, यूज में ना आए। सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है? कि सिस्टम जो है खुद ब खुद चलता रहता है, कि अगर एक बारी प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट बना, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, वो स्पॉन्टेनियसली चलता रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट प्रेजेंट बट इज अटेन फास्टर स्लोअर डिपेंडिंग ऑन कैटलिस्ट टाइप। तो ये तो हमें पता है, इक्विलिब्रियम बच्चे, इक्विलिब्रियम की स्टेट अनअफेक्टेड रहती है, बट ये है कि अगर कोई कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो तो ये जरूर हो सकता है कि उससे इक्विलिब्रियम जो है थोड़ा पहले आ जाए, या अगर कोई ऐसा कैटलिस्ट है उससे इक्विलिब्रियम थोड़ा बाद में आए, बट इक्विलिब्रियम की स्टेट पे अनअफेक्टेड रहता है वो, ठीक है ना। ये सिर्फ ये कर सकता है कि इक्विलिब्रियम कभी पहले आ गया, कभी बाद में आ गया, ठीक है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट सतेंद्र, हम उसको डायनामिक को समथिंग इन मोशन भी बोल सकते हैं। मोशन ही है, जैसे आगे जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, मतलब चलती जा रही है रिएक्शन, एक जगह रुक नहीं गई, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये डायनामिक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम जब भी होती है बेटा, इन्वॉल्व करती है गैसेस, ये किसमें? क्लोज्ड सिस्टम में। यस, सो इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली। ये नहीं है कि सिस्टम जो है एक बार ही रिएक्शन दिखा दी तो हो गया, बट वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद बार बार से वो रिएक्शन होती रहती है। और फोर्थ पॉइंट हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है ना। ये जरूर होगा कि बच्चे वो उसको जल्दी ले आया या स्लो कर दिया, बट उस पे इफेक्ट नहीं आएगा। सो दैट वुड बी द थिंग। क्लियर विद ऑल फोर स्टेटमेंट्स? यस मैम, दैट्स ग्रेट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? यस मैम, फोर्थ पॉइंट में। कौन से वाले बेटा? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में, ठीक है, मैं फोर्थ पॉइंट दोबारा बता देती हूँ। फोर्थ पॉइंट में क्या है बच्चे, कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो अनअफेक्ट होती है,
कैटलिस्ट की प्रेजेंस उसको इफेक्ट नहीं करती, कि ये नहीं है कि कैटलिस्ट आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम अगर आपका आ गया है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, सबसे पहली बात तो बच्चे कैटलिस्ट का रोल ही ये होता है कि वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं है कि अगर 10-10 की कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आया तो कैटलिस्ट डालने से ये 8-8 रह जाएंगी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेंगी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है या कॉन्स्टेंट होती है, वो सेम रहेगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैटलिस्ट क्या इफेक्ट कर देगा कि मान लो आपकी एक रिएक्शन के रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे 15 मिनट में, आपने कैटलिस्ट डाला तो बच्चे 5 मिनट में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया और फिर 5 मिनट में ही रिएक्टेंट आ गया। सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है, उससे ज्यादा कैटलिस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं डालता केमिकल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. के नीचे बच्चे मैंने लिखा है कि गैसेस विल नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंसेस, ताकि जो गैसेस को हम क्लोज्ड सिस्टम में क्यों डालते हैं, ताकि जो गैसेस है बच्चे वो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ना कर सके, ठीक है, कि अपने उसी में रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि सारे बच्चे जो है मेरे को व्हाट्सएप पे अपना बैच और स्टूडेंट आईडी लिख के भेज दे। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ गणेश, मैं बता देती हूँ किसका है, गणेश का, उसके बाद मेरे को मधु ने कर दिया है सेंड, एंड देन संस्कार, आयुष, विशाल एंड शफक, शफक परवीन, उसके अलावा नहीं करा किसी बच्चे ने, मैंने भी कर दिया है, कनक ने, फटाफट से, नंबर नहीं है, क्या हुआ सर, मेरे पास उसका नंबर नहीं है मैम। देखो बेटा ग्रुप में ही मेरे ग्रुप में है मेरा नंबर, ग्रुप में नवनीत के नाम से होगा। ये मेरे को किसने मैसेज किया, काफी, अपना नंबर नहीं भेजना बेटा, स्टूडेंट आईडी, अपना नाम और स्टूडेंट आईडी भेजना है, अपना नंबर नहीं, नंबर तो मुझे भी दिख रहा है, मैं फिर से अपना नंबर एक बारी बता देती हूँ सबको। देखो मेरा नंबर रहेगा 7744300 1360, ये है मेरा नंबर, मैंने चैट में भी लिख दिया बेटा। हाँ संस्कार का तो आ गया मैसेज, स्टूडेंट सतेंद्र कुमार, वेरी गुड सतेंद्र। ये बच्चे आपका नाम नहीं भेजा मेरे को, स्टूडेंट आईडी भेज दी 172 जिसकी लास्ट में स्टूडेंट आईडी है, बेटा नाम, अच्छा ठीक है, काफी ने अपना नाम भेज दिया, बैच भी लिख देती हूँ, अगर आप भूल गए मैं ही मैसेज कर देती हूँ आपको, B37, ठीक है ना, हाँ चलो गुड है। बस ऐसे ही सारे बच्चे भेज देना, जो रह गया वो भी बैच भी बच्चा मेंशन कर देना अपना, रिद्धिमा और सतेंद्र एक बारी बच्चे बैच भी लिखोगे आप, खुशबू आप भी, ठीक है। तो बस और सबने बता देना है कि जैसे किसी दिन कोई बच्चा नहीं आ रहा क्लास में तो आप लोग वो कर दो कि मैम मैं नहीं आ पाऊंगा आज क्लास में, ठीक है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा मैम ये अटेंडेंस ले रहे हो ना आप, आपने मेरे को भेजनी है अपनी हर रोज, ठीक है। और एक बात और है, आज जितना मैं कराऊंगी ना, कल के लिए मैं छुट्टी पे हूँ, मैं अपनी अटेंडेंस आपको खुद ही बता देती हूँ, तो कल शायद मेरी क्लास कोई और लेगा, तो मैं एक बारी अपडेट भी कर दूंगी कि जितना हमारा हो गया है आज की क्लास में, वो नेक्स्ट टीचर को जो भी लेगा आपने खुद भी बता देना है कि मैम इतना पढ़ा के गए थे, और ये नहीं सोचना कि मैम नहीं ले रहे, पता नहीं है वही टीचर लेगा वही नहीं लेगा, सिर्फ कल का दिन मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है, यस, ठीक है। तो किसी ने ये नहीं सोचना कि हाय मैम नहीं आए, पता नहीं अब नहीं आएंगे, ओनली फॉर टुमारो आई एम ऑन हॉलीडे, ठीक है, ये बात सही है, समझ आ गई सबको, सबको, यस मैम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बच्चे, इसके और कुछ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये तो हमें पता ही है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के।
सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिकम कॉन्स्टेंट. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कॉन्स्टेंट हो जाती है. और एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज जीरो. फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो जाता है क्योंकि बच्चे जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी ही प्रोडक्ट की है. अब ना तो ये चेंज यहां से कुछ इधर जा रहा है ना इधर से कुछ आ रहा है, तो एनर्जी तो चेंज होगी ही नहीं क्योंकि एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगी, तो डेल्टा जी वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो इक्विलिब्रियम पे हमारा फ्री एनर्जी चेंज भी क्या रहती है, जीरो. और इक्विलिब्रियम दोनों ही डायरेक्शन में अचीव करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाली भी और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में भी. इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. सो इन जनरल द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर आइदर रिएक्शन. सो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम किसी एक डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं. ठीक है ना, अगर आप बोलोगे कि अब सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो उसको भी आप एक तरह से कह सकते हो कि अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होने वाला है. तो डैट कैन बी ऑल्सो अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन से आप उसको अचीवमेंट दिखा सकते हो. कि अगर एक बार ही टीचर बोल देगी कि मेरी क्लास के 10 बच्चे उधर चले गए हैं, तो ये तो बट ऑब्वियस है ना कि उधर के 10 भी आने ही वाले हैं, तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हमारा अटेन होने वाला है. क्लियर? यस, ये बात सबको ओके, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बना रहे हैं और वाइस वर्सा हो रहा है. ना तो कोई चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में अब रिएक्टेंट में, ना ही प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे जितनी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक कौन सी होती हैं, जो माइक्रो लेवल पे हम लेते हैं. माइक्रो लेवल मीन्स वेरी स्मॉल स्केल, स्मॉल लेवल पे हम लेते हैं. माइक्रो होता है ना छोटे, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं. तो उनकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डेंसिटी होगी, कलर होगी, ऑफ सिस्टम अपीयर टू बी कॉन्स्टेंट, वो भी सारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे. इक्विलिब्रियम पे वो चीजें भी कॉन्स्टेंट हो जाती है. मान लो कि अगर इधर बच्चे ए से बी तक का, यहां से इसका प्रेशर जो था वो 500 केल्विन था, इसका 600 केल्विन था, तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये भी कॉन्स्टेंसी शो करते हैं. इनकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाती है, डेंसिटी, कलर, सारी चीजें जो है इक्विलिब्रियम पे क्या होती हैं, कांस्टेंट ही होती हैं. ठीक है ना, ये बात क्लियर सबको कि इक्विलिब्रियम पे हर चीज कांस्टेंट कर देनी है आपने, चाहे फिर वो उसका कलर हो, प्रॉपर्टी हो, कोई पॉइंट हीटिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सारी चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट. अब हम कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट केस है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम हमें अटेन करना है. नाउ केस वन में हमने अमोनिया का केस लिया कि कंसीडर करते हैं 75% कन्वर्शन, 75% के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यानी लेट आफ्टर 75% कन्वर्शन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. अब इसको हम कैसे करते हैं कि क्या 75% का मतलब है, कैसे निकालते हैं, देखो N2 3H2 मिलके 2 अमोनिया बना रहे हैं. इनिशियल स्टेज पे जब सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट था तो कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन की थी 0.2, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की बचे 0.6. अब सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट था तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन तो बट ऑब्वियस है जीरो ही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम सिर्फ रिएक्टेंट लेके चलते हैं, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं. तो ये हो गई हमारे पास इनिशियल कंडीशन. अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया बच्चे, इक्विलिब्रियम पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन की मान लो 0.05 हो गई, हाइड्रोजन की हो गई 0.15 और अमोनिया की कितनी आ गई 0.3 मोलर. ये आ गई इक्विलिब्रियम पे कंडीशन. अब हमने क्या बोला है, सेम इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे आपने क्या बोला बेटा कि 75% पे जब रिएक्टेंट जो है वो 75% यूज्ड हो गया ना, तब उसने हमें इक्विलिब्रियम अटेन करके दिया, तब हमें क्या मिला, इक्विलिब्रियम मिला. अब अगर मैं रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में ले लूं और मैं बोलूं जब मेरा प्रोडक्ट 25% यूज्ड हो जाएगा तब भी तो इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है. ठीक है ना, अब एक बच्चा बोलता है कि मैम मैं ये वाली ट्यूशन जाके 75% सिलेबस कवर कर लिया,
कितने दिन में? 6 महीने में। उसने 6 मंथ का टारगेट दिया। अब मैं बोलूं कि बेटा ठीक है, तो अगर वो 75% 6 महीने में कवर कर रहा है, तो ये तो मैं भी बोलूंगी कि तू मेरे पास आ जा, 2 महीने में मैं तेरा 25% तो कवर करवा ही दूंगी, ठीक है ना। तो उल्टा हो गया। अब क्या बोला गया कि कन्वर्श, जब हमारे पास क्या था बच्चे, रिएक्टेंट थे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसने क्या बोला, 75% कन्वर्शन के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। अब अगर मैं रिएक्शन उल्टी कर लूं, प्रोडक्ट ले आऊं, तो प्रोडक्ट में 25% यूज करने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है ना। सो सेम इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 25% की कन्वर्शन है। अब देखो, जब प्रोडक्ट ले रहे हो बेटा, तब रिएक्टेंट वहां पे जीरो होंगे, क्योंकि अभी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, जीरो, और अमोनिया की आ गई 0.4। अब कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या रखी बेटा, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे दोनों की सेम होगी, तभी तो वो इक्विलिब्रियम होगा ना। इक्विलिब्रियम पे ये क्या आ गई, 0.05 मोलर, 0.15 मोलर, और क्या आ गया, 0.3 मोलर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या कहना है कि हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन से, यानी या तो एक डायरेक्शन में 75% चल लो, या उल्टी डायरेक्शन में हमने 25% चल लिया। सो इन दिस वे इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से चल के भी हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो हम अटेन कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? यस मैम। दैट्स ग्रेट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। नेक्स्ट आता है बच्चे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, लेट आफ्टर 50% कन्वर्जन ऑफ N2 इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब हमने 50% रखी है किसकी, इक्विलिब्रियम कन्वर्ट हुई N2 की कन्वर्जन पे, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.3 थी, और हाइड्रोजन की 0.6, अमोनिया की इस केस में क्या होगी बच्चे, 0 होगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की हमने लिख ली, ठीक है। दिस कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी अचीव्ड स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम अमोनिया। अब हम इसको सिर्फ अमोनिया से स्टार्ट करके अचीव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है कि 50% कन्वर्जन हुई किससे, N2 से। जब आप सिर्फ सिंगल वर्ड यूज कर रहे हो कि N2 को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो आप अमोनिया कैसे ले सकते हो, अमोनिया में तो N2 है ही नहीं है। तो ये रिएक्शंस, ये इक्विलिब्रियम वो होती है बेटा जो सिर्फ ईदर डायरेक्शन में, यानी इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन ईदर वन डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जब पॉसिबल हो। अगर मैं बोलती कि अमोनिया जो है वो डीकम्पोज करके 50% पे हमें रिएक्टेंट देगा, तो आप लिख सकते थे रिवर्स रिएक्शन भी। अब इन्होंने N2 और H2 दोनों को यूज नहीं किया, इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ N2 जो है वो 50% यूजेज पे इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, यानी ये इक्विलिब्रियम जो है दैट इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शनल ओनली। ये वन डायरेक्शन में है, तो इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन हम नहीं अचीव कर सकते। सो दिस कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी अचीव फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये केस हो गया बच्चे सिर्फ एक तरफ की डायरेक्शन का, है ना, व्हेन यू चूज ईदर वन डायरेक्शन। अब बताओ दोनों चीजें क्लियर हुई, 1 और 2 वाली? यस मैम। दैट्स ग्रेट। गुड मैम, थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ बोलो बेटा, करना क्या कंफ्यूजन है, बात करते हैं। मैम मुझे थोड़ा समझ नहीं आया लास्ट में जो आपने बताया, मैं दोबारा बता देती। देखो बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम, हमने क्या बोला कि एक चीज होती है कि मान लो आपने एक केस लिया कि आप मेरे पास आए हो और आप मुझे बोलते हो कि मैम मैं आपको 10 रुपए दूंगा, आप मुझे रिटर्न में भी 10 रुपए दे देना, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने भी आपको 10 रुपए दे दिए, तो ये तो हुआ दोनों डायरेक्शन में काम हो गया, ठीक है ना। दोनों ही डायरेक्शन में काम हो रहा है कि एक ने इतना दिया, दूसरे वाले ने भी इतना दे दिया, ठीक है। या फिर जैसे हमें 4 पर्सन है, हमें अगर 100 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो बेटा सबसे 25-25 ले लिए, तो ये तो हो गया पूरा काम हो रहा है इसी तरह से। जैसे यहाँ पे आपने क्या बोला कि 75% इसने दिया, 75% कैसे हुआ, डायरेक्शन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हुई कि ये 75% क्या करने पे, 75% रिएक्शन होती है तो ये अमोनिया देता है। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर ये 75% पे अमोनिया दे रहा है, तो
तो अमोनिया तो 25% पे ये रिएक्शन दे देगा, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर बच्चे रिएक्टेंट 75% यूज करके इक्विलिब्रियम दे रहा है, तो आप बोलोगे कि प्रोडक्ट को अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में 25% यूज करूं तो वो भी इक्विलिब्रियम दे देगा। मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना था, 75 किलोमीटर पे आपका पेट्रोल खत्म हो गया, अब आप सामने वाले को कह दोगे ना कि भाई 25 किलोमीटर तू आ जा, अगर तो बेटा वो आ गया, ठीक है ना, 25 किलोमीटर उसने अपना पेट्रोल लगाया, आपकी यहीं पे रिएक्शन जो है पूरी हो गई, यानी इक्विलिब्रियम इस तरह से दोनों तरफ से हो गया। ये वो केस हो गया। अब क्या केस आया कि यहाँ पे आपके पास तो थी गाड़ी, ठीक है ना, आप 50% चले गए, किसी के घर जाना था आपको, पहुंचना था, आपने 50% चले गए। अब ये वाले पर्सन के पास तो कोई कार नहीं है, अगर आप आधे रास्ते भी पहुंचते हो, आप उसको बोलते हो कि तू आ जा, वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं नहीं आ सकता, ठीक है ना, व्हाट ही सेड कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि यार अब हमें ही जाना पड़ेगा, यानी वो उस तरह की रिएक्शन कैसे होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, अब सामने वाला तो नहीं आ रहा ना वापस। तो इन्होंने भी क्या बोला कि पहले वाले में तो यही बोल दिया कि 75% रिएक्टेंट ने इक्विलिब्रियम दिया, तो उधर से प्रोडक्ट ने भी एफर्ट करे, प्रोडक्ट 25% यूज होके हमें दोबारा से रिएक्टेंट दे देगा। अब सेकंड केस हमने क्या लिया कि मान लो N2 ने 50% यूज करके इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, सिर्फ N2 की एफर्ट थी। मान लो अगर ये दो पर्सन भी थे, सिर्फ एक पर्सन को गाड़ी चलानी आती थी और उधर से तो किसी को भी नहीं आती, ठीक है ना, तो अब सिर्फ ये एक ही पर्सन पे पूरी रिएक्शन डिपेंड करेगी, यानी हमारी जो जर्नी है वो सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंड करती है, ये चीज समझो इसमें, ठीक है ना। यस मैम, वही चीज बेटा कि फिर अगर सिर्फ N2 के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो आप NH3 के थ्रू रिएक्शन नहीं करवा सकते। रिएक्शन कब होती दोनों डायरेक्शन में, जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट देता, ठीक है ना, आप सिर्फ आप N2 यूज कर रहे हो, तो इस तरह की डायरेक्शन होती है जो आइदर इन वन डायरेक्शन होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्कआउट करती है, ठीक है, क्लियर। यस मैम, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हनु लेट हो गया आज, मैं अभी आया क्लास में, कहाँ रह गया था? यस हनु, गुड इवनिंग। चलो ये क्वेश्चन करेंगे, लेट मी रेज द पोल। लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा हनु, एक टास्क था बच्चे, आपको अपना नाम और स्टूडेंट आईडी और बैच मेरे को व्हाट्सएप करना है। यू कैन सी माई नंबर इन द ग्रुप इट सेल्फ बाय द नेम नवनीत, ठीक है, तो उस पे आपको मेरे को मैसेज कर देना है। अच्छा ये क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अच्छा इज और आर वाला आप पोल में आंसर नहीं कर सकते ना, दो ऑप्शन नहीं लगा सकते, इनकरेक्ट कर सकते ना जो इनकरेक्ट होगा। हाँ ये ठीक है ना, जो इनकरेक्ट है वो देखना पड़ेगा ना, एक सेकंड। एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल डायरेक्शन। अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट बट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है फिर इनकरेक्ट वाला करके देखो, इनकरेक्ट कौन सा होगा, ठीक है, यू ऑल कैन गो फॉर द इनकरेक्ट वन। काफी बच्चों ने लगा दिए, चलो इसको फिर ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि अगर किसी का आगे पीछे लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड नंदिता, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो बच्चे कौन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम कॉन्स्टेंट। ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि किसी भी इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होता है बच्चे सोल्यूशन का और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, दैट वुड बी कांस्टेंट, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्या बोला गया कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल डायरेक्शन। बच्चे इररिवर्सिबल में हम इक्विलिब्रियम कभी अटेन नहीं कर सकते,
तो दिस इज नॉट करेक्ट थिंग. ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कैन अटेन ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है ना, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में, कि जितना रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. तो बेटा जब तक रिएक्शन ही रिवर्सिबल नहीं होगी तो उस केस में इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है. तो इररिवर्सिबल के केस में इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल. तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ये भी ठीक है कि अप्रोच जब हम इक्विलिब्रियम को करते हैं इनिशियल स्टेट पे, वो पहले फाइनल फास्ट होता है, फिर ग्रेजुअली वो डिक्रीज करने लगता है क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर है, ये तो हमने पढ़ा ही है. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए सी एंड डी. करेक्ट आंसर इज आर ऑप्शन ए सी एंड डी. क्लियर हुआ सबको? यस मैम. यस एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा इसमें? नो मैम. ओके, वेरी गुड विनोद. अमन, अमन. यस मैम. प्रतिमा, क्लियर है बच्चे? यस मैम. दैट्स ग्रेट. ओके, बी पॉइंट है बच्चे कि इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों डायरेक्शन में अटेन कर सकते हैं, दोनों तरह की रिएक्शन में, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इररिवर्सिबल हो. बट ऐसा नहीं होता, अगर कोई इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना तो बेटा उसका इक्विलिब्रियम हम अटेन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, और ना ही ये गारंटी होती कि उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी. तो ये सिर्फ रिवर्सिबल के केस में ही हो सकता है कि पहले अगर आपने मान लो ए से बी बनाया तो बी से वो ए बनेगा. तो इस तरह की रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होती है. जहां भी हमें इक्विलिब्रियम लेना होता है, डैट आर ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट इररिवर्सिबल वन. सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली, नॉट इन इररिवर्सिबल. तो ये सही नहीं था, तो इनकरेक्ट हमारा बी रहा. बाकी के तीनों हमारे क्या है, करेक्ट है आंसर. क्लियर? यस मैम. ओके ग्रेट. चलो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स में करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम फॉर ए एंड बी. इनमें से कौन से ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ए और बी करेक्ट है, कि ए और बी जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहे हैं. यस, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, कि जितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है ना, रिएक्टेंट जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट इंक्रीज हो, तो उस चीज का हम ध्यान रखेंगे. चैट में ही बता दो, इसके भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होंगे तो फिर उसमें देख लेते हैं कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो. बी, बी मतलब करेक्ट है, बी करेक्ट है, बिल्कुल सही है. डी नहीं होगा, ठीक है. हाँ डी नहीं होगा, सही है. ए वाले में देखो क्या हो रहा है, हम देखते हैं सारी बारी बारी, कलर चेंज करते हैं. आई थिंक सो ब्लू पे ब्लू दिखेगा नहीं, कोई और कलर लेते हैं. कहाँ गया माउस, तो सामान ही गुम जाता है. अरे सी, सर्दी के क्या हाल है दिल्ली में? अभी तो ज्यादा वाली ठंड होगी होगी या ठीक बढ़िया चल रहा है? ये सर्दी है, सर्दी है. चलो ठीक है, फिर कौन कौन रजाई में बैठ के क्लास ले रहा है और कौन कौन अटेंटिवली ले रहा है? मैम मैं अटेंटिव ले रही हूँ. ग्रेट करा, एकता कूल है, कूल. चलो ठीक है, पसंद है सर्दियां हमें या नहीं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. आई रियली हेट विंटर्स. मेरे को भी यही रहता है अनु, दैट्स व्हाई आई हेट विंटर्स. जुकाम, गंदा, खांसी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ऊपर से वो फैशन भी नहीं हो पाते है ना, किसी शादी में जाना हो तो सोचते रहो क्या डालेंगे क्या डालेंगे, ऊपर से स्वेटर डाल लो है ना, तो सारी शो खराब हो जाती है. ये भी है, ये भी एक रीजन है. चलो ठीक है. देखो बच्चे क्या क्या रहेगा ए में ना, इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश करी है कि देखो
ए में जो डिक्रीज है ना वो थोड़ा ज्यादा है, यानी प्रॉपरली ग्राफ में शो नहीं हो रहा, बट ए का जो डिक्रीज है वो बी के कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर हम ये पॉइंट देखें, ये यहीं पे आ गया, बी का सिर्फ इतना यूजफुल हुआ, बट ए जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है। ये देखो, इसको ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना, तो कहने का क्या मतलब है कि ए वैल्यू जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो ज्यादा डिक्रीज कर रही है ग्रेटर अमाउंट में, और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है लेस अमाउंट में। लेकिन हमने क्या बोला कि दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज भी इक्वल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई हम ऑप्शन ए को भी एक तरह से रॉन्ग लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या दिखाया कि ए जो है वो ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, बी थोड़ा कम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उस वजह से ए भी जो है वो करेक्ट नहीं होगा। ये ग्राफ में शो प्रॉपरली नहीं भी हो रहा, तो ये चीज को आप पेपर में जरूर ध्यान रखना, दैट्स व्हाई ये पॉइंट उठाया गया है। बच्चे देखना कि जितना डिक्रीज ये दिखा रहा है क्या उतना ही इंक्रीज भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक कॉन्स्टेंसी है दोनों के बीच में, जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये दोनों का एरिया जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम इन्होंने सही अटेन किया है, तो दैट इज करेक्ट आंसर। इसका भी यही है, देखो जितना ए उतना बी, ठीक है, तो ये भी हमारा सी भी सही है। और डी तो हो ही नहीं सकता बच्चे, डी तो क्यों नहीं हो सकता, दोनों चीजें एक साथ डिक्रीज नहीं होंगी। कौन रिएक्टेंट भी डिक्रीज कर दिया इन्होंने और प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर दिया, एक चीज होगी ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो पक्के वाला काटा था। इसको आप इस बेस पे दिखा सकते हो, ठीक है, पेपर में अगर ऐसा कुछ आता है, आपको लगे कि ऊपर नीचे है कर्व्स, तो वो चीज, बाकी बी और सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या रहेगा, कांट भी करेक्ट, बिकॉज क्या बोल रहे हो बेटा, ए करेक्ट नहीं होगा, क्या कह रहे हो नंदिता मैम, ए, हाँ ए करेक्ट नहीं होगा। इन्होंने क्या शो करने की कोशिश करी है कि देखो, ये जैसे एक्सप्लेनेशन में भी हमारे पास ये है ना, कि उन्होंने क्या दिखाया कि रिएक्टेंट ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट उसके कंपेयर में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या बोला कि जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है उतना ही प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम तो यही होगा ना। इनके कहने का क्या मतलब था कि 10 बच्चे यहां से निकल गए और लेकिन उधर से 8 ही बच्चे आए, तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाया ना। सो दिस कांट बी करेक्ट बिकॉज देयर इज मोर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड लेस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि दोनों कर्व्स जो है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम शो करें, इक्वल डिस्टेंस शो करें। सो दैट्स व्हाई ए हमारा करेक्ट नहीं होगा, बी करेक्ट है क्योंकि इक्वल डिक्रीज है, सी करेक्ट है इक्वल डिक्रीज है, डी तो हो ही नहीं सकता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही डिक्रीज दिखा दिए, तो वो एक अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर बच्चे दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो उस वाले को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? यस मैम। यस, किसी को कोई डाउट? ए और बी जो है एकदम स्ट्रेट लाइन। हाँ सतेंद्र, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, बिल्कुल ये सही गेस किया कि आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली एट ऑल। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दोनों तो कांस्टेंट जा रहे हैं ना एक ही साथ, एक ही लाइन में। हाँ देखो, कांस्टेंट तो जा रहे हैं बच्चे। मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया था कि मान लो अगर ये मेरी क्लास से 10 बच्चे उठ के बी में जाते हैं ना, तो बी के भी 10 ही यहाँ वापिस आने चाहिए। तो इन्होंने क्या दिखाया कि ए जो है वो तो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से तो आपने 10 बच्चे निकाल लिए लेकिन बी वाले ने अपने भेजे 8 ही है, तो वो चीज भी फिर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, ठीक है। So that's about this question. Next question एक और हम करते हैं। For the synthesis of ammonia by the reaction N2+3H2 give 2 ammonia in Haber process, the attainment of equilibrium is correctly predicted by the curve. किस में करेक्ट है? अब हम मैम ए, ए इसमें तो सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है, तो कौन सा होगा? मैम ए, ए बिल्कुल सही। बच्चे रिएक्टेंट डिक्रीज शो करेंगे, N2 और H2 क्या है हमारे रिएक्टेंट। कैसे? हाँ मैं बता रही हूँ बच्चे, देखो रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। अब देखो N2 भी डिक्रीज कर रहा है और H2 भी डिक्रीज कर रहा है, और बढ़ना क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे इंक्रीज कौन शो कर रहा है? प्रोडक्ट। तो यही वाला है। इधर देखो एक रिएक्टेंट डिक्रीज और एक इंक्रीज, फिर प्रोडक्ट डिक्रीज, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है।
यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट एक इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, एक रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी वही हाल है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब हमारा रिएक्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। सो दैट वुड बी द थिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर ही क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। डिक्रीज मीन्स डिकम्पोजिशन ही तो नहीं कह सकते हम सत्येंद्र, हर उसमें डिकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि अगर हम यही प्रोसेस देखें हेबर प्रोसेस, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना डिकम्पोजिशन नहीं है, ये तो एक तरह से एडिशन ही होगी। सो दिस इज नॉट नेसेसरी थिंग। क्या है, बस रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करेंगे ताकि प्रोडक्ट बन सके, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ये चीज मेंशन करेंगे हम। ठीक है, अगर नहीं बोल रहे तो म्यूट करके रखना है माइक, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हुआ सबको कि ए कैन बी करेक्ट बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये करेक्ट हो सकता है, करेक्ट चॉइस है, और ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है बट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया और नाइट्रोजन है, जबकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों को ही डिक्रीज शो करना चाहिए था। तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हो गए, गलत, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट हमारा सही हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सो क्लियर, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज आर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रिया, इनमें से कौन सा जो है वो डायनामिक का एग्जांपल है। यस बेटा, फर्स्ट एंड सी। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स, और कौन बताएगा? मैम बी। बी, ठीक है, और देखो डायनामिक बच्चे क्या होगा, जिसमें कॉन्टिन्यूसली चेंज आता रहे। डायनामिक इक्विलिब्रिया हमारे पास क्या है कि डैट इज गोइंग टू कॉन्टिन्यूसली चेंज, जिसमें कॉन्टिन्यूसली चेंज आता रहे। अब जैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है अमोनिया की, ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन गया, फिर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनता रहा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये रिएक्शन चलती रही। सो दैट्स व्हाई इट इज अ डायनामिक। अब नेक्स्ट क्या बोला, अ रॉकिंग चेयर दैट हैज स्टॉप्ड रॉकिंग, अब वो रुक गई। रुकने का क्या मतलब है कि वो रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आ गई तो वो डायनामिक तो रही ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता हमारा, बी इज नॉट डायनामिक। अब क्या बोला कि एक बैंक अकाउंट है जो मेंटेन करके रखता है एवरेज मंथली बैलेंस $1,000 का उसका मंथली बैलेंस है, डिस्पाइट न्यूमरस विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स आर देयर। अब जैसे अगर मैं बताऊं तो बैंक की लिमिट है कि ₹10,000 आपको बैलेंस रखना ही रखना है मेंटेन, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि बच्चे मेरे खर्चे नहीं होंगे। अब अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मेरी सैलरी भी आएगी, ठीक है, तो मतलब पैसे आ रहे हैं। अब अगर मैं हूं तो ऑब्वियसली मैं खर्चा भी करूंगी, ठीक है ना, मैं उसको यूज भी करूंगी, सैलरी आती है यूज भी करते हैं, ठीक है। वही चीज है कि बैंक अकाउंट में ये 10,000 मेंटेन करके रखने थे, मान लो अगर सैलरी आई 10,000 और आई, ठीक है, मान लिया 10,000 और आई और मैंने 5,000 खर्च कर दिए, ऊपर नीचे तो होता रहा बैलेंस, बट वो 10,000 भी मेंटेन थे और बैलेंस भी ऊपर नीचे हो रहा है, मीन्स चेंजेस तो हो रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूसली चेंज होंगे, कभी आए कभी गए, कभी मैं कहीं गई मैंने ₹100 पेटीएम कर दिए, किसी ने मुझे ही ₹100 पेटीएम कर दिए, मीन्स चेंजेस इज देयर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमारा ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। किसी ने ये नहीं सोचना कि मैडम की तनख्वाह ₹10,000 है, ये मत कहना कि मैम इतना पढ़ लिख के इतने ही पैसे मिलते हैं आपको, डिमोटिवेट नहीं हो जाना, ठीक है, ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके,
अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे, ये बस याद रखो. सो दिस इज द थिंग बच्चे, ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक है. और रॉकिंग चेयर अब स्टॉप कर दी गई है, मींस चेयर कहाँ पे आ गई, रेस्ट पे. सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई. अब बैंक अकाउंट में भी चेंजेस होते जा रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, डायनामिक. तो हमारा ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट. ठीक है, क्लियर हुआ सबको डायनामिक वाला भी? यस दैट्स ग्रेट. लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे. ठीक है, ठीक है. मैम मेरा ट्यूशन है. हाँ बोलो बेटा. मैम मेरा ट्यूशन है. अच्छा चलो ठीक है कनक, यू कैन गो. मुझे लगा वो कह रही है मेरा क्वेश्चन है. ठीक है चलो, फिर चले जाना. अच्छा इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेक्ट है, कि डेल्टा जी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाती है. चेंज इन एनर्जी, ये हमने बोला था कि करेक्ट है. इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज ओनली एस्टैब्लिश ओनली इन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा था. सही है मैम, गलत है, क्लोज्ड में होती है ना. ओह हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, क्लोज्ड में होती है. ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया. कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा बच्चे, रिएक्शन को एनहांस कर देगा, या तो उसके स्टेट को आगे पीछे करेगा, बट एज सच नहीं कुछ भी इफेक्ट होता. ठीक है तो ये भी गलत है. नेक्स्ट है रिएक्शन स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम, इज दिस सो? क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाती है इक्विलिब्रियम पे? नो मैम. ये भी गलत है. तो हमारा सिर्फ करेक्ट कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट है, ए वाला. हाँ सी, सी तो गलत ही है, इफेक्ट नहीं होता बच्चे इसका उसके ऊपर कोई भी. सिर्फ इक्विलिब्रियम की स्टेट पे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ यही कर सकता है कि या तो फास्ट होगी रिएक्शन या स्लो होगी, बट इक्विलिब्रियम स्टेट पे इफेक्ट नहीं डालता. तो करेक्ट वाला ऑप्शन. हाँ गलत है ये, सिर्फ ए वाला करेक्ट है हमारा, ओनली ए इज करेक्ट. ओके ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाली भी गलत है हमारी, इनकरेक्ट. बी वाली क्योंकि क्लोज्ड में होता है, सी वाली भी गलत थी क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे और रिएक्शन स्टॉप नहीं होती इक्विलिब्रियम पे. ये इनकरेक्ट है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जो है वो डायनामिक नेचर की होती है रिएक्शन, बल्कि ए से बी, बी से ए बार बार बनती रहती है, स्टॉप नहीं हो जाती. ठीक है सो और करेक्ट आंसर मतलब अगर ए की पूछा है तो वो ए होगा, कि ए जो है इनमें से सही है. ठीक है यहाँ पे लिखा ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट. एक सेकेंड, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट. हाँ तो ये बात तो नो इफेक्ट लिखा है ना, तो सही है. ठीक है कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट. ठीक है मैं इफेक्ट सोच रही थी. ठीक है देन ए एंड सी बोथ. ठीक है कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है तो ये बात भी सही है, इट हैज नो इफेक्ट. ओके क्लियर सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. दैट्स ग्रेट. ठीक है अभी जो बच्चे रह गए हैं जिन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया वो प्लीज मैसेज करके स्टूडेंट आईडी बैच वो लिख दे. फिर पता क्या करेंगे, आज तो आप लोगों ने मुझे फोन पे कर दिया ना, फिर मैं इसके डायरी पे लिख लूंगी आप सबके नाम, फिर उधर नेम बाय नेम अटेंडेंस लेते रहेंगे. तो आपको भी रोज रोज मैसेज नहीं करना पड़ेगा, मुझे भी बार बार फोन चेक नहीं करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए, है ना? ठीक है चलो. ठीक है बेटा फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. थैंक यू, थैंक यू प्रवीण, थैंक यू बेटा, बाय एवरीवन फिर.